शाह से गुहार लगाई है कि क्या मैं पत्र लिखा हूँ और यहाँ का सीआईडी जो रिपोर्ट है ये भी यहाँ से गया भारत सरकार को किसके पास गया, मैं पत्र भी लिखा हूँ, मैं मिल के भी कहा हूँ कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, मैं बिहार सरकार में मुख्यमंत्री से भी कहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही है, घटनाएं हो रही है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये गुस्से में जहर खाना हुआ, चिराग पासवान का गुस्से में जहर खाना हुआ, इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो। निश्चित रूप से मेरा डायरेक्ट आरोप है, इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर, अमर आजाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था, परशुराम पासवान वहाँ मौजूद था, वो तो आ गया वीडियो क्लिप में आ गया, सब लोग वहाँ मौजूद था, और हमारे चूँकि 4 बजे तक चिराग पासवान का प्रोग्राम था, 4 बजे जाने के बाद जैसे हम लोग को प्रोग्राम की जानकारी मिली तो वहाँ सब लोग दारू पी करके मंच पर चढ़ गया और गुंडागर्दी किया दोनों तरफ से, फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खूब मिलता है दारू, क्या कहता है दारू नहीं मिलता है बिहार में, तो शराबबंदी है। हाँ शराबबंदी है लेकिन गलत ढंग से मिल रहा है, इसमें कहाँ दो रहा है। आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद शराब यहाँ मिल रहा है? शराबबंदी नहीं मिलने रहते इतना पकड़ा कैसे रहा, आखिर लोग पकड़ा रहे ना, दारू पकड़ा रहे कि नहीं पकड़ा रहे, अवैध ढंग से लोग शराब का बिजनेस कर रहा, पुलिस उस पर है, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन कहीं के तो मिलता है, ये इसमें कहाँ दो रही है। सर कि आपको वहाँ निमंत्रण था सर चारा डी मेला में जो बाबा जौहर मर गया था जी, मंच पर विरोध करने वाले कौन से लोग थे, आपने कहा कुछ नक्सली भी थे, किस आधार पर? अमर आजाद, आपको अमर आजाद का नाम सुने होइएगा, 16 अक्टूबर 2016 को जब यही पासवान जी जब यही बाबा जौहर मर जयंती में जा, जब भी मेरा बिहार में प्रोग्राम होता है तो कहीं न कहीं घटनाएं घटती है, जैसे परसों मोकामा में चाराजी में बाबा जौहर मर जयंती में हम लोग का कार्यक्रम था, उसके पहले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम था, वहाँ चिराग पासवान जी के प्रोग्राम के बाद काफ़ी असामाजिक तत्व मंच पर चढ़ा हुआ था, जबकि बिहार सरकार का निर्देश है कि दारू पी के कोई नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ जितना भी नौजवान था बाहर से जो आया हुआ था, नक्सलाइट लोग, गया से आया हुआ था, मसौढ़ी से आया हुआ था, अमर आजाद के नेतृत्व में था, सभी नौजवान दारू पी के खूब, और उन लोगों ने हंगामा किया और काला झंडा दिखलाया। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब हम भारत सरकार के मंत्री बन के पहली बार आए थे और हाजीपुर जा रहे थे तो उसमें में भी इन लोगों ने काला झंडा दिखवाया था। इस ढंग से पार्टी में बहुत ज़बरदस्त साजिश चल रही है और पार्टी क्यों टूटी इसके पीछे चिराग पासवान जी बार बार कहता है कि चाचा जी ने मेरे साथ में मेरे पीठ पर छुरा फोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ ये नौबत क्यों आई, हम लोग जब लोकसभा का चुनाव में जीत के एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के गए थे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो स्वर्गीय पासवान जी की इच्छा थी कि एनडीए गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ें, उन्होंने मुझसे भी खुद कहा था कि पारस देखो ये सब गलत काम कर रहा है, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो, पूरे पार्टी की राय थी कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन एक बाहर का एक आया बनारस का एक लड़का आया, उसने कहीं सपना दिखलाया चिराग पासवान को कि आप अकेले लड़ोगे तब बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, और उस पॉइंट पर चिराग पासवान रिजिड रहा और अकेले पार्टी के इच्छा के विरुद्ध उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और चुनाव का रिजल्ट जो हुआ वो आप सब लोगों के बीच में है। पासवान जी की जब मृत्यु हो गई तो पूरे देश में कहीं भी चिराग पासवान के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से मैं इसी कोठी में 16 अक्टूबर को मैं दलित सेना की तरफ से
हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ साथ वीनू जी बैठे हुए हैं। दलित सेना की तरफ से हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा हुआ, उस पर मेरा 3 डिमांड था कि क्योंकि पासवान जी दलितों के बहुत बड़े नेता थे और सेकंड अंबेडकर माने जाते थे और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में इनको काम करने का मौका मिला और जब जब भी मौका मिला, चाहे रेल मंत्रालय हो, लेबर मंत्रालय हो, वेलफेयर मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मंडल कमीशन लागू किया, हाजीपुर रेलवे जोन को स्थापित किया, तो भारत रत्न की उपाधि सेकंड अम्बेडकर के रूप में स्वर्गीय पासवान जी को मिलना चाहिए। और दिल्ली में कहीं भी एक स्मारक पासवान जी के नाम सुन रहे थे। प्रेस वाला ने मैंने कहा कि इसके लिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार एक प्रस्ताव पास करके भेजे भारत सरकार को कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इस पर प्रेस वाले ने हमसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री की यहाँ चिट्ठी भेजेंगे, आप जाएंगे? मैंने कहा मैं जरूर जाऊँगा। तो आप ये बताइए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो अच्छे प्रशासक हैं, सुशासन बाबू हैं या कुशासन? जब मैं उनकी सरकार में मंत्री था तो उनका काम करने का तौर तरीका जो था, बिहार के विकास की बात करते थे हम लोगों से, वो अच्छे प्रशासक हैं और बिहार के जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से बिहार का विकास हुआ है। इतनी बात की जानकारी देने के बाद चिराग पासवान वहाँ से आग बबूला हो गया और मैं वहाँ गया चिराग पासवान जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, आपने नीतीश कुमार के पक्ष में क्यों बयान दिया? मैंने कहा जो सही बात है मैं बयान दूंगा, तो मैं नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहता हूँ और आप नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए पार्टी विरोधी काम आपने किया है, मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करूँगा। मैंने कहा कि भाई तू हमको क्या निष्कासित करोगे, भाई तू खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, आपको तो मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देता। तो नहीं नहीं आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, सो आपके खून में और मेरे खून में फर्क है, ये चिराग पासवान ने कहा। और उस समय जिसमें ये बात बोला उसमें मैं उसकी माँ बैठी हुई थी वहाँ, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे और मेरा बेटा ये सिराज बैठा हुआ था, सबों के बीच में उसने कहा कि हमारे खून में और आपके खून में फर्क है। मैंने उससे कहा कि जो ये क्या चिराग जी तुम बोल रहे हो? कहा मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि आज के बाद से यदि ये बात सही तुम बोल रहे हो, आज के बाद से ना तुम मेरा भतीजा हो न मैं तुम्हारा चाचा हूँ, खबरदार आज के बाद से तुम चाचा शब्द का प्रयोग नहीं करना। उस दिन से मतभेद हुआ, पार्टी टूटी, पासवान जी स्वर्ग चले गए यहाँ उनके निधन के बाद। ये 16 अक्टूबर की घटना है, फिर 20 अक्टूबर को श्राद्ध कार्यक्रम हुआ, उसके बाद काफ़ी आपस में मतभेद हुआ, मतभेद होने के बाद पार्टी के पूरे लोग, जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 सांसद में 5 सांसद एक तरफ हम लोग एक गुट बनाया गया और दूसरे चिराग पासवान अकेले रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अलग से पार्टी के मान्यता मिली, नेता मिले, संसदीय दल के नेता का निर्वाचन हुआ। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान बखवा करके हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किया, हाजीपुर में हमला हुआ। आज से कुछ दिन पहले प्रिंस राज की माँ साई हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, वहाँ जाकर के उसका जो युवा का अध्यक्ष है, छात्र का जो अध्यक्ष है, प्रिंस पासवान है, क्या नाम है नाम, हाँ प्रिंस पासवान है, वो जाकर हंगामा किया, दारू पी का हंगामा किया, जो FIR भी हुआ कंकड़बाग थाना में। और परसों की घटना है, जब बाबा चौहानवाल जयंती में हम लोग गए थे तो वहाँ इस तरह की घटना घटी, पुलिस को पुलिस के मौजूदगी में हुआ, वहाँ सीनियर ग्रामीण SP मौजूद थे, वहाँ का सिविल SDO मौजूद था, अभी FIR भी हुआ है। हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि बार बार जो घटनाएं घट रही है, बार बार जो एक व्यक्ति के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जाँच हो और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए।